वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। स्वागत है आप सबका हमारे न्यू ब्लॉग में। मैं हूं आपका अपना दोस्त दीपक जायसवाल और ये हैं यूवी जायसवाल। तो आज हम दोनों भाई निकल चुके हैं इस घर पे आने के लिए, क्योंकि यूवी का घर ये हमारा घर वो है, नहीं बटा नहीं है कुछ, सब अभी एक ही सब एक ही है। बस ये है कि सब लोग अलग अलग रहते हैं, कोई वहाँ सोता है और सोते हम लोग जहाँ भी मन कर देता वहाँ सो जाते हैं। और आ गए घर पे, देखते हैं क्या हो रहा है। अभी घर दरवाजा बंद है, अभी हम लोग खड़खड़ाएंगे, देखते हैं कौन आता है खुलने के लिए। या खुला ही होगा, हाँ देखो खुला भी है, क्या बात है। तो भाई ठंडा नहीं लगता चाची? कब तभी नसीब होगा, कब हुआ, कब हुआ? शुगर किसम का? सब सही था, सर्दी जुकाम, सर्दी जुकाम हुआ है। और सब आराम 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 भाई तुम नहीं? कल वही खाली ठंडा पानी पी, वही दिक्कत। अच्छा, तो यहाँ चाची थोड़ा तबीयत सर्दी जुकाम हो गया है। बाकी जो लोग चैनल पे दोस्तों नए बने हो, चैनल को सब्सक्राइब, ढेर सारा प्यार दुलार जिसने देना। और आज लोग आप लोग हम ये देख रहे हैं कि आप लोग ज़्यादा प्यार दे रहे हो, दुलार दे रहे हो, इसने दे रहे हो। बस ऐसे ही प्यार दुलार देना, चाहे जैसा भी हमारा वीडियो आता हो। और चाची हमारी थोड़ी सी नाजुक चेहरों के साथ यानी थोड़ी तबीयत खराब है, भगवान को जल्द से जल्द स्वस्थ और अच्छा करे, मस्त करे और लंबी आयु हमारी चाची को दे। और चाची का आयु हमें लग जाए, क्योंकि जब तक चाची रहेगी तब तक बेटा रहेगा। क्यों चाची यही करना चाहेगी ना, कभी नहीं सही, इसलिए थोड़ा सा जुकाम हो गया है, प्रॉब्लम हो रही है। बाकी देखते हैं नहीं बहू रही है क्या करें। यहाँ पे किचन से हम चलते हैं। कैसी हो जी गर्मा? क्या हाल चाल है? ठीक हो? तबीयत कैसा है? सही है, हमारे से देखो क्या हुआ। अभी सुन रहे थे तबीयत कुछ खराब हो गई थी। वो तो पास्ट था। अच्छा पास्ट था, 10-15 दिन पहले बात है। हाँ, तो 10-15 दिन बाद भी आज भी तो रहा हूँ मैं। नहीं, हाँ। उसके पहले की बात। अच्छा क्या बनाया खाने में? टमाटर, आलू टमाटर सब्जी। मैके की याद आ रही है क्या, इतना गुमसुम हो? हाँ कहाँ है अंकित, कहाँ गया? मार्केट में। चलो और सब बढ़िया है ना? तो ज़्यादा बात नहीं करते हैं, क्योंकि आप लोग समझ सकते हो कि हम क्यों नहीं बात कर सकते हैं। तो यूवी को एक बधाई देना चाहेंगे कि यूवी का कुछ ही दिन में, कुछ ही पल में, कुछ ही सेकेंड में, यानी कुछ घंटों में यूवी का आ जाएगा गूगल पिन, जो कि इनका भी चैनल मोनिटाइजेशन हो चुका है यूट्यूब चैनल। तो हम बहुत बहुत खुश है कि चलो यूवी को इतना ज़्यादा खुशखबरी मिल, आज मैंने बता दिया कि चलो तुम्हारा इस दिन पिन आ जाएगा। तो यूवी बहुत ज़्यादा परेशान था, तो इसका जो भी था मैंने फिलअप कर दिया था फॉर्म वगैरह। अगर किसी को नहीं पता होगा तो मुझसे कॉन्टेक्ट करना कि मैं आप सबका गूगल पिन वगैरह मंगा सकता हूँ, क्योंकि जितनी जानकारी शायद इस समय मुझे हो चुकी है, आप लोग को भी होगी, या जिन्हें भी हमारे ब्लॉगर यूट्यूब चैनल बनाते होंगे चैनल, उन लोगों को भी पता होगा। लेकिन मैंने दूसरी बार अपने आप से दो लोगों का पिन मंगाया, एक यूवी का, एक हमारे माँ से। एक गलती हुई थी, इसकी वजह से मेरा पिन ब्लॉक हो गया, तो भैया ने सही किया, अब वो एक कल या परसों आ जाएगा। एक दो मतलब मैंने बताया ना कि कुछ ही दिन, कुछ ही घंटे, कुछ ही समय, कुछ ही सेकंड बचा हुआ है। तो खुशखबरी आप लोग को हम दिखाएंगे जब यूवी का पिन आ जाएगा, वो आप लोग को देखने को मिलेगा हमारे चैनल पे। यूवी का भी चैनल मोनेटाइजेशन हो चुका है यूट्यूब चैनल। तो चलो यूवी ऐसे ही मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते रहो, हम चाहते हैं कि आगे भगवान तुम्हें और तरक्की दे और कामयाब बने। बस आप सबका प्यार इसने दिला। हाँ चलो दोस्तों, ब्लॉग में बने रहना, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आप लोग, दूर दराज रिश्तेदार परिवार, हमारी पूरी यूट्यूब फैमिली। तो मिलते हैं आप लोग से अपने घर पे, यहाँ पे तो हो चुकी है मुलाकात सभी लोगों से, लेकिन थोड़ी सी चाची की तबीयत नाजुक है, तो हम चाहते हैं चाची भी एकदम मस्त हो जाए, स्वस्थ हो जाए। एक बार चेहरा चाची को और देख लो यार, कितना एकदम चेहरा डुबा देती है एकदम, कि नहीं कि हम एकदम आराम से रहो, मस्त रहो, खाओ पियो, स्वस्थ रहो। हाँ एसी भी चलवा दो भाई, गर्मी बहुत ज़्यादा लग रहा है। तो ये भी नया नया एसी भी, जैसे मैंने बताया था कि नया नया एसी लगा हुआ है घर पे, इसमें सभी घर में एसी आम बात है, सबके घर में लग जाता है, ऐसा नहीं कि कोई बड़ा है कोई छोटा है। गर्मी तो नहीं रिकॉर्ड तोड़ पड़ी, बच्चों का हालत खराब हो गया। मैंने तो सोना को स्कूल भेजना भी कल से बंद कर दिया कि सोना भी स्कूल नहीं जाएगी। मम्मी आज बोले थे कि अरे इतनी गर्मी है, मम्मी पढ़ाने जाती है जानते हो हम लोग, तो मम्मी को इतनी गर्मी लगती है तो मैं क्या ही बताऊँ। मम्मी बोली कि आज सोना कल से स्कूल नहीं जाएगी, मैंने कहा ठीक है नहीं जाएगी। बाकी कुछ बोलना चाहते हो? नहीं नहीं बस बस आपका आभारी है। नहीं कोई बात नहीं है, आभारी क्या होना चाहिए, हम छोटे भाई हो और भाई और क्योंकि हम परिवार का प्यार। एक दो बार ट्राई किए, हमसे मिस हो गया, नहीं आ रहा था, तो भैया को मैंने दिखाया, भैया हमारा सही किए, अब हमारा एक या दो दिन में आ ही जाएगा वो, और सब भैया सम करेंगे उसको। चलो गाइस बने रहना ब्लॉग में, मिलते हैं घर पहुँचने के बाद, बाकी जैसा रहता है उससे कॉन्टेक्ट या जुड़े रहना आप ब्लॉग में, मजा आएगा आप लोगों को।
तो गाइज हम इस घर पे रुक गए खाना पीना खाने के लिए, क्योंकि चाची हमारी बहुत कहती बेटा खाना खा लो ना खा लो ना। हमने कहा नहीं, घर पे मम्मी बनाई है भाभी बनाई है, चलते उनके हाथों का खा लेते हैं। लेकिन चाची का प्यार थोड़ा कमी नहीं होता है, और ये तो भाई किसी मायने में कम नहीं होती है। ये तो अपने सभी बहुओं को इतना प्यार करती है कि पूछो ना। अब कौन से बहुओं प्यार करती है चाची सुनना चाहती है। कौन से तीनों बहू यार? तीन बहू कहाँ से आ गई अभी? हाँ कुमल को, बिन्नी को और अच्छा तीनों बहू एक समान देखती हो आप? और क्या कहना चाहो? अच्छा बहुओं के बारे में आपका क्या राय है? बहुओं के बारे में आपका क्या राय है? अच्छी बात है, मतलब तीनों बहुओं कैसी है, चाहे वो गरिमा हो? गरिमा भी अच्छी है। क्या इस सब में खटपट होता है कभी? नहीं। क्या आपकी बात नहीं मानती है? आप तो मान लो चसिया सास हो सकता है बिन्नी की और कोमल की, तो क्या आपकी बात कभी नहीं मानती है? मानती नहीं, मानती। आप जो कहते नहीं सुनते हैं? मम्मी की तबीयत थोड़ा डाउन है, इसलिए नहीं खुल पा रही इतना, सर्दी जुकाम है, फीवर वगैरह सब कुछ है, इसलिए अभी सो के भी उठी है। अब जैसे हम लोग आए तो सो के उठी है। तो सोचो एक चचिया सास जब अपनी बहू के बारे में ना अच्छा सोच सकती है, तो एक सास जो कि सगी सास मम्मी हमारी, वो अपने बहुओं के बारे में कैसे गलत सोच सकती है? कभी नहीं सोच सकती है, क्योंकि मम्मी और चाची जो होती हैं सब हमारे घर में, ऐसा नहीं कि यार चचिया सास है, सब एक बहू और एक माँ, सब एक समान है। हमारी चाची से हम लोग जिन्ना लगा रखते हैं, जैसे मेरी माँ है ऐसे भी मेरी माँ है, ऐसे हम लोग सभी भाई बहन ऐसे, ये भी हमारे चाचा लगेगी। हम लोग कभी नहीं सोचते हैं कि बिना भाई हमारे सगे भाई हैं, ये भी हमारा सगा भाई नहीं है। हम लोग सभी भाई एक मतलब एक जैसे ही रहते हैं, ऐसा फील होने नहीं देते कि हम कजन भाई हैं। हम लोग एकदम मिलजुल के रहते हैं, जो भी काम रहता है, जो भी धाम रहता है, जो भी कुछ चीज़ें हैं आपस में शेयर करते हैं, आपस में बात करते हैं, अपना रिलैक्स लेते हैं, मतलब अपने से मतलब रखते हैं। बाकी किसी को क्या लगता है क्या नहीं लगता है उससे मुझसे लेना देना नहीं है। कि आप लोग तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग क्या है, हम सब सारे भाई लोग क्या है, तो हम लोग को पता है, लेकिन दुनिया क्या जानती क्या सुनती हम क्या करें। और रही बहनों की बात, तो बहनें भी हमारी सभी अच्छी हैं, चाहे वो किट्टो हो, चाहे बन्ना हो, चाहे पूनम हो। हाँ थोड़ा सा देखो, जैसे मैंने पिछले ब्लॉग में बताया ना, मिस अंडरस्टैंडिंग हो सकता है, किसी को अपना दर्द ज़्यादा लगे, किसी को अपना दर्द कम लगे। सभी भाई बहन, सभी घर की बेटी होती हैं, सभी घर की बहू होती हैं, सभी घर की माँ होती हैं, तो ये चीज़ें चलती रहती हैं। भाई देखो जिसको बोलोगे उसको तकलीफ़ होगा, तो हम तो जानते हैं भाई कि हमारी भी बहन है, हमारी भी भाभी है, हमारी भी भयो है, तो कहीं ना कहीं तकलीफ़ सभी को होगा अगर किसी के बारे में गलत बोला जाएगा। तो गलत क्यों बोला जा रहा है? बस आप लोग के कमेंट के वजह से, और थोड़ा सा ये इस कमेंट की वजह से मिस अंडरस्टैंडिंग हुई है, इसलिए थोड़ा सा ब्लॉग जो आ रहा है थोड़ा सा निगेटिव आ रहा है, और कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है कि हाँ चलो कोई गलत है कोई अच्छा है। तो हम चाहते हैं सब अच्छा हो, सब बढ़िया हो। अभी मैंने पूनम दीदी का ब्लॉग देख रहा था, वहाँ पे पूनम दीदी ने कुछ ऐसा बोला कि बन्ना दीदी रो रही थी और मुझे तकलीफ़ हुई, तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि चलो यार ठीक है, अगर बन्ना दीदी रो रही थी, अब बाद में उन्होंने कोमल को फ़ोन लगाया, कोमल ने फ़ोन नहीं उठाया, तो हो सकता है कोमल कहीं बिजी होगी और कहीं काम धाम में बिजी होगी, अभी का खिला रही होगी, अभी का सुला रही होगी, खाना पीना बना रही होगी, इसलिए कोमल फ़ोन नहीं उठाया होगा। बाद में बिने भाई कॉल फ़ोन किया उन्हें, तो बिने भाई ने कॉल उठाया, बात किया, तो होता है। मैं भी लगाता हूँ फ़ोन पूनम दीदी को, किट्टो को, बन्ना को फ़ोन नहीं उठाती है, बिने भी नहीं उठाता है, या मैं नहीं उठाता हूँ, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप लोग ये कमेंट करोगे कि कोमल को फ़ोन नहीं उठाई, तो ये तो गलत बात है भाई। हो सकता है इंसान कहीं ना कहीं बिजी होता है, ये होता है नहीं होता है। मैं तुम्हें फ़ोन लगाता हूँ, तुम क्या मेरा जल्दी फ़ोन उठा लेते हो? कभी कभी तो दिन में अगर 10-20 बारी कर दो ना, उठाता ही नहीं है। जैसे बाइक चलाता है इंसान, थोड़ा समझ नहीं पाता कि फ़ोन बज रहा है क्या बज रहा है। अभी जस्ट मैंने भाभी को आज दोपहर में 10 से 12 बार कॉल किया, चाची सब्जी मैंने बोला कि खाना क्या बना रही हो, तो फ़ोन ही नहीं उठा रही है। मैंने ये पूछने के लिए फ़ोन किया था खाना क्या बन रहा है, तो फ़ोन ही नहीं उठा रही हैं 10-20-25-30 बार। तो पापा को मैंने कॉल किया, तो पापा फ़ोन उठाए, बोले कि मैं बाहर हूँ। अच्छा ठीक है, घर पहुँच के बात कराइएगा। तो जैसे पापा मेरे को आर्डर दे दे कि ये लेके आना, वो लेके आना, मैंने कहा चलो ठीक है लेके आते हैं। तो होता है इंसान कहीं ना कहीं बिजी होता है। बाकी आप लोग समझदार हो, और आप लोग अच्छे रहना, मस्त रहना, स्वस्थ रहना, और हमारे परिवार में थोड़ा सा अच्छा अच्छा किसी के ब्लॉग में भी अच्छा अच्छा कमेंट करो। सब लोग कमेंट के हिसाब से वीडियो बना रहे हैं, सब लोग क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं, किस पे क्या कमेंट करें, जिसका ब्लॉग है उसके प्रति आप लोग कमेंट करो, ना कि किसी के ब्लॉग पे जाके दीपक के जायसवाल खिलाफ़ बोलो कि दीपक जो ऐसे बोल रहा था,
बंदना पे जाके ऐसा बोलो कि पूनम ऐसे बोल रही थी, कोमल पे जाके ऐसा बोलो कि बंदना ऐसे बोल रही थी, बिने पे जाके ऐसा बोलो कि किट्टू ऐसा बोल रहे थे, किट्टू पे जाके ऐसा बोलो कि कोमल ऐसा। तो ये सब चीज़ें लड़ाने का काम आप लोग बंद कर दो, ये चीज़ होना नहीं चाहिए। और अगर दिखाना है तो अच्छा चीज़ बोलो यार, लिखना है तो अच्छा चीज़ लिखो। हम नहीं चाहते कि आप लोग की वजह से, आप लोग के थ्रू हमारे परिवार में दरार बने, हम ये नहीं चाहते हैं। तो जैसे चाची ने समझाया कि हमारी तीनों बहुएं बहुत अच्छी हैं, और तीनों बहुएं वाकई में बहुत अच्छी हैं, चाहे वो कोमल हो चाहे गरिमा हो। गरिमा तो मान लो ब्लॉग में कम देखते हो, लेकिन कोमल ब्लॉग बनाती है, कोमल को देखते हो, तो कोमल भी बहुत ही अच्छी है, बहुत ही बढ़िया है। मैं तो कभी नहीं कह सकता कि वो ख़राब है, या कोई नहीं कह सकता, हमारी मम्मी नहीं कह सकती, हमारे पापा तो कभी कुछ बोलते नहीं है, मम्मी हमारी कुछ नहीं बोलती है। और एक थोड़ी सी मिस अंडरस्टैंडिंग के साथ दोनों लोग में ब्लॉग आया, वो चीज़ आप लोग थोड़ा सा इग्नोर करना, और अच्छा अच्छा ब्लॉग आएगा, सब लोग अपने मस्त रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, अच्छे रहेंगे, और खुशी मिजाज के साथ रक्षाबंधन आ रहा है, भाई बहन का त्यौहार है, और त्यौहार तो मनाया जाएगा। इस रक्षाबंधन पे हम पूरे फैमिली एक साथ रहेंगे, किट्टो भी आ रही है, बन्ना भी आ रही है, और शायद आप लोग को एक थोड़ा सा वो रहेगा सस्पेंस वाला वीडियो कि कोई और भी आएगा, तो कौन वो आएगा आप लोग को हम बताएंगे अपने ब्लॉग में, क्योंकि हम हैं तो कोई कम नहीं है। तो चलो गाइस, इन सबके साथ इस ब्लॉग को समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी किसी के प्रति अच्छा बुरा कहने की जरूरत नहीं है आप लोग को, आप लोग जिसका ब्लॉग देख रहे हो उसके प्रति कमेंट करो, ना किसी के प्रति करो, हम यही चाहते हैं। बाकी मिलते हैं नए वीडियो में, थैंक यू सो मच, लव यू।